Good morning, students. My name is Manjot Singh. Today we are going to discuss about the universal properties of NAND gate and NOR gate. In the last lecture, we know about the basic gates and universal gates. Basic gates क्या है हमारे पास AND और NOT और universal gates कौन से थे? NAND gate और NOR gate. आज हम NAND और NOR से जो बाकी लॉजिक फंक्शंस हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास है नॉट गेट लॉजिक बाय यूजिंग नैंड गेट। तो जैसा कि आपको पता है कि नॉट गेट में क्या होता है हमारे पास कि सिर्फ एक ही इनपुट होता है। ये सिंबल है नॉट गेट का जिसमें हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। बट नॉट नैंड गेट के में तो हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं। तो हम उसको नॉट गेट कैसे बनाएंगे? बाय कनेक्टिंग दीज टू इनपुट्स विद सिंगल इनपुट। तो अगर हम सेम इनपुट दोनों पे अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? नॉट गेट का आउटपुट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है ये। इसके लिए हम एक बार ट्रुथ टेबल बना लेते हैं नैंड गेट का। तो हम नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। नैंड गेट में हमारे पास क्या होता है? एक वाई जो आउटपुट है हमारी वो है और दो इनपुट्स होती है ए और साथ में क्या होता है बी। और इनके कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो ये हमारे पास नैंड में इनपुट्स होती है और आउटपुट क्या आती है नैंड की? यहाँ पे वन होता है हमारे पास, यहाँ भी वन होता है, यहाँ वन होता है और वन वन के केस में जीरो होता है। तो ये हमारा नैंड गेट का टेबल है। चाहिए नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। So this is the NAND gate through table. तो ये हमारे पास NAND gate है, okay? और ये हमारे पास NAND gate का सिंबल है। NOT gate के ट्रुथ टेबल में क्या होता है? NOT gate में हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होती है, ठीक है, और एक आउटपुट आती है। जीरो हो तो वन आती है, वन होते हो जीरो। ओके, जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं इट मींस अगर ए की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा और यहाँ भी जीरो होगा। जब दोनों जगह पे जीरो हो तो नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है? वन। तो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन। सो इट मींस ये हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन जो है जीरो इनपुट एंड वन आउटपुट वो प्रूव हो रहा है। Because we have a zero input for A and we are getting the one output here. So this is true. हमारा जो not gate का पहला input है वो हमने try करके देख लिया, वो NAND gate से prove हो रहा है। तो second की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे input one है और output क्या आ रही है? Zero. तो चलिए अब A की value one लेते हैं। A one और यहाँ भी one आ जाएगा because These two are interlinked. ये दोनों आपस में connected हैं और यहाँ वन वन आ जाएगा। तो NAND gate का truth table देखिए, यहाँ वन वन है। जब हमारी दोनों input वन वन होती हैं तो output क्या आती है? Zero. So it means we have a one input and zero output. This way we prove that कि हमारा जो NAND gate है वो NOT gate का logic perform कर सकता है। वन दिया तो जीरो आ गया, जीरो दिया था तो वन आ गया। तो ये हमारा नैंड गेट बन गया नॉट गेट से। तो इसको याद रखना कि नॉट गेट कैसे बनना है नैंड गेट से। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसको रिमूव कर लेते हैं। तो हमने नैंड गेट, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
एंड नैंड गेट से हमने एंड गेट बनाना है। नैंड गेट से क्या बनाना है? एंड गेट। तो एंड गेट में हमारे पास क्या होता है, दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। तो यहाँ पे एंड गेट का सिंबल है और यहाँ पे हमने एंड गेट का आउटपुट लेना है। तो पहले उसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं एक बार। तो ए बी जो है वो हमारी इनपुट है और वाई आउटपुट आती है। तो चलिए कॉम्बिनेशन उसके क्या है, यहाँ पे मेरे पास वन है, जीरो आएगा और यहाँ भी जीरो आएगा, वन वन और वन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये टेबल है एंड गेट का और ये नैंड गेट का है। ओके, तो जो हमारे पास टेबल है वो ये एंड गेट का ये वाला टेबल है और नैंड गेट का ये वाला टेबल है। तो जो सर्किट में हमने ये एक्स्ट्रा गेट एक लगाया है, ये नॉर्मल तुम्हारा नैंड गेट है, यहाँ पे तुम्हारा नैंड गेट है। ओके, और ये तुम्हारा क्या है, अभी जो हमने पढ़ा वो क्या है, नॉट। तो अगर हमने एंड बनाना हो, हमने क्या बनाना है, एंड गेट। तो एंड तो हमारे पास है लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉट गेट है, ये एंड का मतलब क्या है, नॉट गेट। तो अगर हम ये नॉट गेट को रिमूव कर दो, यानी कि ये बार जो है ऊपर इसको अगर रिमूव कर दें तो हमारा एंड गेट बन जाएगा। ओके, सिंपली अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो है ये एंड गेट लॉजिक दिख रहा है। यू सी हेयर एंड हेयर दीज आर सेम। तो शुरू करते हैं हम ये नॉट कैसे। अब देखिए, अगर हम बैक टू बैक दो नॉट गेट लगा दे तो क्या होता है, ये मैं सिंपल नॉट गेट वाला नॉट लगा रहा हूं। अगर हम बैक टू बैक नॉट गेट लगा दे तो क्या होगा, तो यहां पे अगर हम जीरो देते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, यहां पे वन और यहां पे क्या आएगा, जीरो। तो ये सेम आ रहा है, ये और ये वैल्यू आफ्टर टू नॉट गेट्स सेम। अगर हम यहाँ पे वन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जीरो और इस जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन। तो यहाँ भी हमारे पास जो है दो नॉट गेट्स अगर हम लगाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और हमारे पास सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट आते हैं। सो इट मीन्स अगर हम नैंड में एक नॉट गेट एक्स्ट्रा लगा दें तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम आएगा एंड की तरह। तो हमने वही किया, हमने नैंड गेट के सामने एक नॉट गेट लगा दिया, सो दैट वी कॉम्प्लीमेंट द आउटपुट ऑफ नैंड। तो चलो चेक करते हैं फॉर दिस कॉम्बिनेशन 00, हमारे पास क्या है 00 और यहाँ पे क्या है आउटपुट 0। तो 0 होना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो वी हैव अ 0 0 नॉट, यहाँ पे नैंड गेट है तो पहले यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास वन, यहाँ तक वन आएगा और इस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हमें मिलेगा, जीरो। तो ये हमारे पास ट्रू होगा कंडीशन कि हमने जीरो जीरो इनपुट पे अप्लाई किया और हमारे पास जीरो आउटपुट पे है। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हमारा ट्राई होगा। अब दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा 01। तो हमारा जो ए की वैल्यू है वो जीरो है और बी वन है। तो आउटपुट क्या आएगी 01 के केस में, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जीरो, बी वन और आउटपुट क्या आ रही है, वन। नैंड के केस में यहाँ पे वन आएगा, यहाँ वन आ गया। अब इस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हमें मिलेगा, जीरो। तो ये हमारा सेकंड केस भी प्रूव हो गया, ये वाला कि वी हैव इनपुट 01, आउटपुट इज जीरो। अब थर्ड कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं
थर्ड कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या है, 1 0, थर्ड कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या है, ये 1 है और ये 0 है। तो जब ये 1 है और ये 0 है तो आउटपुट क्या आ रही है हमारी, तब भी 1 आ रही है। यहाँ पे देखो 1 0 के केस में 1 आ रहा है, तो 1 आ गया और उस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हमें मिलेगा, 0। तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो चुकी है। फोर्थ कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है हमारा, उसमें हमारे पास क्या है, दोनों 1 है और आउटपुट भी 1 आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ले लेते हैं और यहाँ भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जब 1 1 लेते हैं तो आउटपुट क्या आती है, यहाँ पे 0। यहाँ पे चेक कर लो कि यहाँ 1 1 है और आउटपुट क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हमें मिलेगा, 1, बिकॉज दिस इज अ नॉट गेट। तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो इस कॉम्बिनेशन में हमें प्रूव हो गया कि ये 1 1 आउटपुट पे 1 प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारा एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। आगे बढ़ते हैं, अब और गेट कैसे बनेगा बाय यूजिंग नैंड गेट। और गेट बनाना है हमने बाय यूजिंग नैंड गेट। तो पहले एक बार ट्रुथ टेबल बना लेते हैं हम दोनों का। तो ट्रुथ टेबल पहले जो नैंड गेट है उसका बनाते हैं। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या है हमारे पास, कि ए बी दो इनपुट्स हैं, 0 0 0 1, उसके बाद क्या है हमारे पास, 1 0 और 1 1। तो ये हमारी इनपुट्स हैं और वाई आउटपुट क्या आती है वो देख लेते हैं। नैंड गेट के लिए वाई 0 0 में 1 आता है और यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 है और यहाँ 0 है। तो ये हमारा नॉट नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, नैंड गेट ट्रुथ टेबल। तो ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल आपके सामने है। अब और गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो भी बना लेते हैं। वी हैव इनपुट ए बी विच इज अगेन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और आउटपुट क्या आएगी हमारी, आउटपुट वाई क्या क्या आती है, वाई यहाँ पे 0 उसके बाद 1 उसके बाद फिर 1 और ये 1। तो ये आपके सामने जो है और गेट का ट्रुथ टेबल है। कौन सा टेबल है ये, और गेट। तो नीचे हमारे पास नैंड गेट है, ऊपर और गेट है। तो सिंबल हमने नैंड गेट का यूज करके और गेट का जो आउटपुट है वो लेना है। तो हमारे ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है और ये हमारे पास और गेट है। तो चलिए प्रूफ करते। इसके लिए हमें डी मॉर्गन थ्योरम का पता होना चाहिए। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, कि अगर आपके पास कोई इनपुट है, मान लीजिए कि हमारे पास जो इनपुट है वो ए बी है, ए, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, कि वी हैव ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो दोनों का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट के और बी कॉम्प्लीमेंट के। ये डी मॉर्गन थ्योरम का रूल है कि हमारे पास अगर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड गेट के साथ उसका बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों के साथ हमारा ये बनेगा। और दूसरा ये कहती है कि अगर आपके पास ये दोनों एंड के रूप में है, तो डॉट इंडिकेट्स एंड गेट लॉजिक। तो अगर हमारे पास ये एंड का फंक्शन यानी कि नैंड है, तो नैंड को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और हमारे पास क्या होगा, और बी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास और आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो डी मॉर्गन थ्योरम है ये कहती है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो लेट्स सपोज
यहाँ पे हमारे पास ए और बी हैं, तो हम कोई भी केस ले लें, हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे ए जीरो है, तो ए जीरो है हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, नॉट गेट है तो वन आ जाएगा। इसी तरीके से बी भी हमारे पास जीरो है, बी भी जीरो है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वन। अब अगर नैंड गेट को देखो, यहाँ पे नैंड गेट ही है ना, नैंड गेट की दो इनपुट्स है वन वन, तो आउटपुट क्या आती है, जीरो। यहाँ पे देखो वन वन, आउटपुट क्या आएगी, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो हमारा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो ट्रू है। अब दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, जीरो वन, ए जीरो और बी वन, ए जीरो बी वन। कॉम्प्लीमेंट ए का क्या होगा, जीरो है तो वन आ जाएगा, नीचे बी की वैल्यू वन है तो उसका क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ पे चेक करो कि ए वैल्यू जो तुम्हारे पास है वो वन है और बी जीरो है, ए वैल्यू वन है और बी जीरो है, आउटपुट क्या आती है, वन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनपुट इस नैंड गेट के लिए देखिए ये वन है और ये जीरो है, तो आउटपुट क्या आती है, वन। तो यहाँ भी वन है, ओके। तो ये वन, ये इस चीज को प्रूव कर रहा है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू जीरो हो और बी की वैल्यू वन हो, तो आउटपुट क्या आती है, वन। तो थर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, ए वैल्यू वन है और बी का जीरो है, ए की वैल्यू वन और बी जीरो, आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट वन आनी चाहिए। तो यहाँ पे नॉट गेट है, ए वन है तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, वन। यहाँ वन आ गया, जीरो वन इनपुट के लिए नैंड गेट का आउटपुट क्या था, वन, तो यहाँ हमारे पास वन आ जाएगा। सो ये हमारा कॉम्बिनेशन भी ट्रू है। तो अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है कि वन वन, कि यहाँ दोनों जगह पे वन है, ए वन और बी वन, तो आउटपुट क्या आएगी, यहाँ भी जीरो आएगी और यहाँ भी जीरो आएगी। तो जीरो जीरो इनपुट के लिए हमारे पास क्या है, आउटपुट वन। यहाँ पे देखो जीरो जीरो के लिए इनपुट क्या है, वन। ये हमारे पास जीरो जीरो इनपुट है और आउटपुट क्या है, वन। तो ये कॉम्बिनेशन भी ट्रू है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो और गेट है वो नैंड गेट से बनाया जा सकता है। ठीक है जी, हमने नैंड गेट का ये टेबल यूज किया, नैंड गेट का सिंबल यूज किया और इसको बना लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नॉर गेट बनाना है हमने बाय यूजिंग नैंड गेट। तो नॉर और में का डिफरेंस था सिर्फ एक, नॉट गेट एक्स्ट्रा लगा है। तो एक बार हम नॉर का ट्रू टेबल बना लेते हैं, पहले नॉर का ट्रू टेबल बनाते हैं। ए बी जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन, तो ये हमारी इनपुट्स थी और आउटपुट क्या आएगी, वाई। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, वन जीरो जीरो और जीरो। ये नॉर गेट का हमारे पास जो है टेबल है, और नैंड गेट का ट्रुथ टेबल हमारे पास क्या कहता है वो देख लेते हैं। नैंड ए बी इनपुट जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन, हमारे पास नैंड का ट्रुथ टेबल हम बना रहे हैं और इसका आउटपुट क्या आएगा, वाई। यहाँ पे वन और बाकी यहाँ वन और लास्ट में जीरो। ठीक है जी, ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है, ये हमने बनाना है बाय यूजिंग नैंड गेट, और यहाँ पे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है कि यहाँ ए की वैल्यू क्या है, जीरो, ए वैल्यू जीरो, बी भी जीरो है,
जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू जीरो होती है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए। तो ये आती है कि नहीं चेक करते हम, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वन, और यहाँ भी क्या आएगा वन, तो दोनों जगह पे वन आ गया। तो वन वन के केस में यहाँ पे देखो, वन वन के केस में आउटपुट क्या आता है, जीरो, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन। तो ये हमारा जो है ये हमने प्रूव कर लिया है। क्या क्या हमने हमने पहले ये वाला जीरो जो दोनों जगह पे है, ठीक है जी, इसको लिया है, और हमारे पास आउटपुट क्या है, वन। जीरो जीरो हमारे पास यहाँ, एक जीरो यहाँ, एक दूसरा यहाँ, और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वन वन हो गया, और हमने जब वन वन यहाँ पे है तो उसका आउटपुट क्या है, जीरो। तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये कंडीशन हमारी प्रूव हो चुकी है। और ये वाला वन वन यहाँ पे है इनपुट पे, और ये वाला जीरो जो है यहाँ पे आपके पास है, और ये वाला जीरो का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है जी, यहाँ पे वन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये ऐसे, तो चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है कि इनपुट है हमारी 01, ठीक है जी। 01 के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं, ए हमारे पास 0 है, ए 0 है और बी 1 है, ठीक है जी, बी हमारे पास 1 है, 01 आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा, ठीक है, 10। तो 10 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10। तो 10 के केस में आउटपुट क्या आती है, 1, और ये 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। थर्ड कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा ट्रू हो गया, थर्ड कॉम्बिनेशन है 10, ए 1 बी 0, ए 1 बी 0, तो आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे 0 और यहाँ 1। 01 के केस में आउटपुट क्या आती है, नैंड गेट की 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 0, तो ये हमारी कंडीशन भी ट्रू होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे पास है 11। अगर हमारे पास इनपुट पे 11 अवेलेबल हो तो क्या होता है, ए और बी 11 है तो आउटपुट क्या आएगी, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। तो 0 पे आउटपुट क्या आती है, यहाँ पे चेक करो, 1, 0 में क्या आती है, 1, और इस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा कंडीशन ये भी ट्रू है, ठीक है जी। तो ये था हमारा नॉर गेट लॉजिक बाय यूजिंग नैंड गेट। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। थैंक यू।